तो देखिए, हमने इसको अलग से डिफाइन करने के लिए लिखा है एंटोमोलॉजी, ग्रीक वर्ड इंसेक्ट। इंसेक्ट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हेक्सापोडल, सिक्स लेग्स, जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, टू एंटीनी, दो एंटीनी जो सेंसर होते हैं, जो सेंसर की तरह काम करते हैं, और विंग्स। ये एक पेयर हो सकते हैं, दो पेयर हो सकते हैं, एक से दो पेयर हो सकते हैं विंग्स। इंसेक्ट के अंदर एक पेयर विंग भी हो सकता है, दो पेयर विंग्स भी हो सकते हैं। दो पेयर विंग्स होंगे तो एक पेयर में रेजिडुअल होगा, एक उनमें एक्टिव फॉर्म का काम करेगा, एक्टिवली वर्क करता होगा। और उसमें सेगमेंट होंगे, इंसेक्ट तीन सेगमेंट में बटा हुआ होता है। एक होता है उसका मेजर हेड, सेकेंड वन थोरेक्स और एब्डोमन, थर्ड वन। क्वेश्चंस कहाँ का बनता है? हेड। हेड के अंदर छह सेगमेंट होंगे और वो फ्यूज्ड होंगे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हेड जो है, हेड के अंदर जो हेड रीजन है उसमें छह सेगमेंट। एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, कितने सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। थोरेक्स में तीन सेगमेंट होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, एक जगह नहीं होंगे ये। और वैसे ही 11 सेगमेंट एब्डोमन में भी होंगे, ये भी फ्यूज नहीं होंगे, सब डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और इन थोरेक्स के अंदर, थोरेक्स के इन तीन सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में एक-एक पेयर, आप मान के चलो उसमें छह आपको मिलेंगे, क्या लेग्स मिलेंगे, छह लेग्स इसमें मिलेंगे। इसका मतलब उसमें पेयर हो जाएंगे तीन, तीन पेयर होंगे और छह उसके पेयर हो जाएंगे, तीन पेयर्स। हर एक सेगमेंट में एक पेयर लैग होगा और उनमें दो पेयर विंग्स होंगे शुरू के दो सेगमेंट के अंदर। यही आपको याद रखना होगा कि तीन पेयर अगर हैं तो वो तीन पेयर हर एक पेयर में आपको थोरेक्स में मिलने वाला है। और थोरेक्स में कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिल सकता है, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये तीन सेगमेंट है, तो देखो हमको जो लेग मिलने वाले हैं वो कहाँ मिलने वाले होते हैं? आप सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे, और हर एक सेगमेंट जहाँ पे जुड़ रहा होगा वहाँ आपको तीन पेयर मिलने वाले हैं लेग्स के, ठीक है? तो टोटल हो जाएंगे छः। तो आप ऐसे करके बता सकते हो कि थोरेक्स रीजन में तीन सेगमेंट होते हैं और तीन सेगमेंट में तीन पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, या बोलो छः लेग्स होते हैं। कितने लेग्स? छह लेग्स। तो इसमें पेयर हमारे पास कितने हो जाएंगे? तीन पेयर हो जाएंगे, ठीक है भाई? उसके बाद देखें विंग्स। विंग्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं? ये भी थोरेक्स में मिलने वाले हैं। ध्यान दें, थोरेक्स रीजन इंसेक्ट के अंदर लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है कौन सा रीजन? थोरेक्स रीजन। एब्डोमन, एब्डोमन जो होगा वो अलग वर्क करेगा। वो जो अगर आप बात करते हैं एब्डोमन की, तो ये वर्क करता है एक तो रेस्पिरेशन के लिए और एक रिप्रोडक्शन के लिए। रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही वर्क जो होंगे वो एब्डोमन रीजन में होते हैं। थोरेक्स रीजन में आपको क्या मिलेंगे? पैर मिलेंगे और विंग्स मिलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्या कि विंग्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट इज, वो होगा थोरेक्स रीजन, ठीक है? अगर हम बात करें कि हेड में क्या मिलते हैं, तो हेड में मिलते हैं एंटीनी। सेंसर पार्ट जो होता है वो आपको मिलेगा हेड रीजन में, थोरेक्स में मिलेगा चलने वाला पार्ट, एब्डोमन में मिलेगा रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन का पार्ट, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास एक बेसिक स्टडी कि इंसेक्ट क्या है और इंसेक्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन सी चीजें पाई जाती है और वो क्या क्या काम करती है। यहां से जाके हम बात करें अब इंसेक्ट के आगे कि इंसेक्ट के ग्रुप को हम क्या बोलने वाले हैं? पेस्ट। और जो पेस्ट है या इंसेक्ट है, उन पेस्ट में से किसी एक इंसेक्ट की बात करो, ये है। अगर इनके ग्रुप की बात करो तो पेस्ट बन जाएगा। और पेस्ट की स्टडी करो तो पेस्ट क्या करेगा? कोई डैमेज करेगा, कोई हमें नेगेटिविटी शो करेगा। तो उसके लिए हम एक दो पॉइंट पढ़ के चलते हैं। एक तो थ्रेशोल्ड लेवल, एक होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल ऐसा लेवल, ध्यान सुनना, इसको हम बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल को बोलते हैं कि अगर कोई पेस्ट, अगर किसी क्रॉप में
कोई इंसेक्ट की पॉपुलेशन जिसको आप एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। क्या लेवल ऑफ पेस्ट विच कैन कंट्रोल या विच नीड कंट्रोल मेजर्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड लेवल, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो या उसे कंट्रोल कर सकने की कंडीशन हो सकती हो उसे हम बोलने वाले हैं थ्रेशोल्ड लेवल। इसका मतलब सबसे पहले अगर कोई पेस्ट अपना इफेक्ट शो करता है तो वो एक लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो जो मिनिमम लेवल होता है वही थ्रेशोल्ड लेवल कहलाता है। उसके बाद में जो उसके ऊपर अगर कोई लेवल वो अगर पॉपुलेशन पहुंच जाती है तो उसके बाद में इकोनॉमिक डैमेज क्रिएट होता है। इकोनॉमिक डैमेज का मतलब कि अब वहां आपको क्रॉप में डैमेज दिखेगा, वहां आपको प्रोडक्टिविटी डाउन दिखेगी, प्रोडक्शन उसका कम हो जाएगा, प्रोडक्शन डाउन होने लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी, वो होगी हमारे पास TIL की और TL की। देखते हैं TL और EIL क्या होगा। थ्रेशोल्ड लेवल देखिएगा, थ्रेशोल्ड लेवल क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन विच नीड कंट्रोल मेजर, ऐसी डेंसिटी या इतनी डेंसिटी किसी भी पेस्ट की जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, या ये कह रहे हैं कि उससे उसको आवश्यकता है कंट्रोल कर सकने की, उसे हम बोलने वाले हैं थ्रेशोल्ड लेवल। और सेकेंड वन वही डेंसिटी किसकी, पेस्ट की, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक इंजरी लेवल, EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्या बोलेंगे, मिनिमम डेंसिटी, वो भी एक डेंसिटी होगी, द मिनिमम डेंसिटी ऑफ पेस्ट विद ऑफ पेस्ट विच कॉज इकोनॉमिक इंजरी। तो अगर इकोनॉमिक इंजरी आपको क्रिएट हो रही है, आपको मिल रही है, तो वो लेवल पहुंच गया है EIL। आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, अगर इसमें से पूछना हो तो आपसे थ्रेशोल्ड लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, वो आपसे पूछ भी नहीं सकता। आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर किसी पेस्ट के अटैक से किसी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन इफेक्ट करता है या वो डाउन हो जाता है या कम हो जाता है तो उस लेवल को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो आपको ऑप्शन में ऐसे दे सकता है कि वो EL होगा या EIL होगा या फिर दोनों ही होंगे या कोई भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को आपको ऐसे लिख के दूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, इफ पेस्ट पॉपुलेशन पेस्ट पॉपुलेशन कॉज इकोनॉमिक इंजरी, या आपको बोले फैक्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इनमें से कोई सी लैंग्वेज बोल सकता है वो, आपको ऐसे बोल दे कि पेस्ट पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक इंजरी कॉज कर रहा है या बोले वो अफेक्ट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, तो वो जो लेवल होगा, लेवल विल बी आपको लिख दिया जाएगा, लेवल लेवल इज फर्स्ट EIL, TL, या फिर आपको बोल दिया जाए, आपको बोल सकता है वो ETL, और फोर्थ में आपको बोल दिया जाए ऑल। अब देखिए, अब हमारे पास कंफ्यूजन ही आएगा, ये तो हो गया थ्रेशोल्ड लेवल, ये हो गया इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ये है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड लेवल, इसको बोलने वाले हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ध्यान से सुनो, एक थ्रेशोल्ड लेवल बोल लो या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोल लो, इन दोनों का मीनिंग सेम सेम है। वही मिनिमम डेंसिटी होगी पेस्ट की, जिसको कंट्रोल मेजर की जरूरत है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। उसे आप ETL बोलो या TL बोलो, पहले इसे TL बोलते थे क्या, थ्रेशोल्ड लेवल। अभी हम इकोनॉमिक ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कारण इकोनॉमिक डैमेज क्रिएट होने वाला है आगे जाके। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम सेम है, तो हमारे पास आंसर रहने वाला था कौन सा, EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। कुछ एक स्टूडेंट यहाँ दिमाग लगाएंगे उस जगह पे कि इकोनॉमिक इंजरी तो पहले से क्वेश्चन में लिखी है, ठीक है, तो हो सकता है EIL तो हुई हो। जब ये समझ में नहीं आता तो बच्चा किस पे टिक करके आता है कि ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि EIL और ETL इन दोनों में कंफ्यूजन है। इसका एवेल्युएशन नहीं समझ में आ रहा, इसकी पूरी पूरा नाम पता नहीं है, इसका एवेल्युएशन समझ में नहीं आ रहा, तो वो इसको और इसको एक मान के और टिक करता है 4। ध्यान दें नेगेटिव मार्किंग होती है वो। तो हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक इंजरी बोलेगा या प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हुए कोई लैंग्वेज बोलेगा कि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इफेक्टेड हो रही हो या इकोनॉमिक इंजरी हो रही हो, तो आप बिना सोचे समझे आंसर दें इकोनॉमिक इंजरी लेवल का, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे पास किसकी बात, इंसेक्ट और पेस्ट से रिलेटेड। हम पेस्ट की बात कर रहे थे, पेस्ट होता क्या है, पेस्ट ऐसी पॉपुलेशन होती है जो इकोनॉमिक इंजरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। पेस्ट, फिर से समझाऊं, पेस्ट वही बात, ये वर्ड कौन सा है, ये एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक भी है और लेटिन भी है। ग्रीक वर्ड और लेटिन वर्ड दोनों ही वर्ड में इसको माना जाता है कि पेस्ट को ग्रीक भी बोल सकते हैं और लेटिन वर्ड भी बोल सकते हैं। सॉरी सॉरी, ग्रीक ग्रीक नहीं, लेटिन और फ्रेंच, फ्रेंच क्या बोलेंगे, पेस्ट एक फ्रेंच और लेटिन वर्ड है। इन दोनों में से मेरे हिसाब से इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछता कोई भी, वर्ड कौन सा है मेरे हिसाब से तो नहीं पूछता है, हो सकता है आपको याद करना हो करना। देखिएगा हमने क्या बोला कि ऐसी ऐसी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स ध्यान देना, इंसेक्ट कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है, पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेस्ट होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट हो या कोई आप मान लो कि इंसेक्ट नहीं है, बंदर हो, अगर वो एक क्रॉप को एक लिमिट से ज्यादा एक साथ बहुत सारे बंदरों के द्वारा किसी भी क्रॉप को अगर डैमेज किया जाए, किसी क्रॉप के प्रोडक्शन को इफेक्ट किया जाए, तो वो बंदर ही क्या है, वो भी एक पेस्ट ही है। अगर मान लो हम कहें कि एक क्रॉप है उसके अंदर उस फील्ड में रोडेंट्स बहुत सारे रोडेंट है, तो रोडेंट भी क्या हो जाएंगे, रोडेंट भी जाके आगे बन जाएंगे क्या, वो भी बन जाएंगे पेस्ट। तो पेस्ट एक ऐसी पॉपुलेशन है जो इकोनॉमिक इंजरी कॉज करती है क्रॉप में, ठीक है, क्या करती है, जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिक इंजरी कॉज करते हैं। दूसरी कंडीशन, वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी हैजार्ड्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके लिए भी नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। अभी देखना तो आप बता देगा कैसे कर सकते, कैसे इफेक्ट करते होंगे। थर्ड वन, लाइव स्टॉक जो होते हैं उनके लिए भी नेगेटिव रोल रखते हैं, लाइव स्टॉक्स के लिए भी नेगेटिव रोल रखते हैं। अगर आप सोचो यदि कोई कोई भी पेस्ट यानी कि एक लिमिट से ज्यादा अगर कोई इंसेक्ट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो इकोनॉमिक इंजरी कॉज कर रहा है यानी कि आर्थिक हानि दे रहा है जिसके कारण पैसे की कमी आएगी, और इसका मतलब अगर पैसा कम बढ़ेगा तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर इफेक्ट तो कर ही रहा है। और अगर उसको नहीं मानते हो तो आप ऐसे मान लो कि अगर अगर कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस अगर किसी ह्यूमन बीइंग के इफेक्ट करती है, वायरस, वायरस
वो एक लिमिट से ज्यादा एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जो उस ह्यूमन बीइंग को क्या कर देती है, बीमार कर देती है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक पेस्ट ही है जो ह्यूमन बीइंग को भी नेगेटिव रोल नेगेटिविटी शो करता है। लाइव स्टॉक जानवरों में भी ऐसी नेगेटिविटी शो होती है। तो पेस्ट ऐसी पॉपुलेशन हो गई जो किसी भी इकोनॉमिक इंजरी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हजार्ड्स इफेक्ट और लाइव स्टॉक के लिए हजार्ड्स इफेक्ट शो करता है, उसे हम बोलते हैं पेस्ट। तो पेस्ट उनके लिए 3 पॉइंट याद रखें, पेस्ट फ्रेंच और लैटिन वर्ड होगा। ये एक पॉपुलेशन होगी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी। हम जब एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडी करेंगे, इसका मतलब इंसेक्ट की स्टडी होगी। तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होगी जो इकोनॉमिक इंजरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन बींग और लाइव स्टॉक के लिए हैजार्ड्स इफेक्ट शो करेगा, और ये कहलाएंगे फिर पेस्ट। तो हमें ये बात समझ में आया कि पेस्ट, इंसेक्ट और इंसेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट्स का यूज होता है, और उस उन पार्ट्स का हमें आगे जाके एक एक के बारे में स्टडी करनी होगी। ये वीडियो यहीं तक रखेंगे जी। थैंक यू डियर।